हाँ भाई बॉयज एंड गर्ल्स, क्या चाल है। दिस इज ए बॉय मूसा खाना एंड वेलकम बैक येट टू अनदर ब्लॉग। बॉयज एंड गर्ल्स, आपने देख लिया होगा कि अब आपका भाई डिलीवरी ड्राइवर बन गया है। सैडली स्पीकिंग, यू नो, सारा कारोबार सब खत्म हो गया है, जॉब वॉब से चिप सब चलेगी, तो अब भाई ज़ोमैटो की जो मर्च है उसको डिलीवर करेगा। कंट्रोल। अरे क्लिक वेट नहीं कर रहा, वाकई डिलीवरी कर रहा हूँ, लेकिन अपने सामान की कर रहा हूँ, फर्क है। इशारा तोड़ दिया, नहीं बच गया भाई। असल में पता बात क्या, अमेरिका की शिपमेंट आते आते मैं बाबा हो गया यार, मतलब बहुत ही देर कर दी। ऊपर से जो अमेरिका में जिन लोगों ने खरीदा वो मुझे बार बार कह रहे हैं यार कब आएगा। मैं अब क्या करूं यार, मैं तो काम बहुत पहले करा लिए थे, लेकिन कस्टमर भी क्या करे भाई, कस्टमर को तो चीज जल्दी चाहिए होती है। जो भी अमेरिका वाले देख रहे हैं जिन्होंने ज़ोमैटो से मर्च ऑर्डर की थी, आई एम रियली रियली सॉरी डीपली, लेकिन मेरा फर्स्ट प्रोडक्शन थी कपड़ों की, तो इसलिए थोड़ा सा मसला हो गया। लेकिन अब से जो भी मर्च लॉन्च हो रही है ना, वो आपको इंशाल्लाह टाइम पे मिलेगी, वरना तो मैंने मुंह पे थूक देना। खैर एनीवेज, अभी सीन ये है, मैंने एक अपने भाई को डिलीवर करनी है, उसने भी ऑर्डर की हुई थी शर्ट्स, वो रिप्लाई नहीं कर रहा, पता नहीं। एक और लड़का है अलियान, वो इधर ही रहता है डेलस एरिया में ना, तो उससे मैंने कोऑर्डिनेट कर लिया था, तो उसको भी शर्ट्स देनी है। फिलहाल अभी हम ये जल्दी से कॉफी पकड़ रहे हैं डच ब्रोस की, आजकल फिजा दीवानी हुई भी है। नहीं मैं नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो मैंने कहा जल्दी यार, अच्छी है इनकी कॉफी, इनके पास असल में पता है बॉयज एंड गर्ल्स प्रोटीन कॉफी बड़ी है, तो वो प्रोटीन वाली आपको लाटे बना के देते हैं, तो हमने कहा चलो थोड़ा हेल्दी के हेल्दी कॉफी भी होगी। तो खैर एनीवेज, हमारे साथ इस वक्त आइजन भी है, अब हम जहाँ जाते हैं आइजन जाता है, तो उसको भी साथ लेके जा रहे हैं, डिलीवरी बॉय बना रहे हैं, अभी से आदत डाल रहा हूँ उसे मैं। तो ये भी मर्च पड़ी हुई है मेरे पास, आठ ही है अभी घर में, पूरा डब्बा आया हुआ है, पूरे दो बॉक्सेस भर के ना, तो मैं घर जाके आपको वो भी दिखाऊंगा, पहले हम इधर डिलीवरी कर ले, इधर कॉफी ऑर्डर करते हैं। पागल हो तो और कोई काम ही नहीं मुझे जिंदगी में। आज तो बहुत ही मजे का बनाया यार, थोड़ी सी तो फ्लर्टिंग बनती थी फिर। अच्छा क्या क्रीमी सूदिंग टेस्ट आ रहा है, साथ मजे का कैरेमल का टेस्ट, चारों तबक रोशन हो गए पी के। लेट है आओ। सीन ये है कि हम पहुंच गए हैं अलियान को उसके कपड़े देने। उठ गया वो? ओहो, तो हमें जल्दी करना पड़ेगा कि बच्चा हमारा उठ गया। बाकी ये मेन इवेंट पे इस वक्त आया हुआ है वो, ये बेसिकली जगह होती है जहाँ पे आर्केड वाली गेम्स नहीं होती, बेसिकली रहता वो दूर है, लेकिन मैंने कहा इधर आया तो ये ले ले शर्ट मेरे से पहले ही। तो अलियान मेरे साथ इस वक्त यहाँ पे मौजूद है, बड़े देर कर दी मैंने इनके ऑर्डर में यार, बड़ा इन्होंने वेट किया, बड़े दिल वाले बंदे हैं। मेरे से चार शर्ट ऑर्डर की थी यार, बहुत तुम्हें अच्छी लगी इंशाल्लाह, क्वालिटी वगैरह। अभी हाथ का, अभी हाथ लगा लो देख लो, अगर तुम्हें ना पसंद आई तो ये मेरे मुंह में मारना। कॉम्प्रोमाइज नहीं करना था इस चीज पर, तुम्हारी बॉडी शॉडी भी अच्छी है तो मैं फिट अच्छी होगी इंशाल्लाह। बाकी आलियान को मुझे पता ही था, जैमिन जावा का भाई ओनर, ये भाई साहब मेरे साथ ही खड़े हैं। मुझे लाहौरी मिल गए, यहाँ पे हम इधर बनाएंगे। अभी खोलने यार, हमने कवाली खोला हुआ, हम क्यों नहीं खोल सकते। असल में तुम्हारे हुक्के का सीन बैठ था ना, जो पाकिस्तान में हुक्का बैन हो गया था, तो उसकी वजह से इनको इंशाल्लाह यहाँ पे। हाँ वहाँ बहुत जाते हैं हम लोग, हो गया लाहौरी तो डाल देंगे, बस डाल देंगे यार, उसे करेंगे इंशाल्लाह। डन हो गया तुम्हारा मेरा, नो ब्रो। ओके लेट है आओ। ये हम सबके लिए वेट कर रहे थे, लेकिन मूसा से वेट ही नहीं हो रहा, उससे पहले से निकाल के अपना चाकू और कांटा। मेरे देखो कॉलीफ्लावर राइस और ठंडे हो जाएंगे, ठीक है। कोई प्रेजेंटेशन देख ही नहीं पाएगा क्योंकि पहले ही मूसा ने हमला रिकॉर्ड हो गया ना, इस पे जाके देख ले। ये देखो जरा, ओए होए, एक आलू के साथ तो मजा ही आ जाएगा। हाय हाय, मुंह में पानी लहर। नान तो भाई की फेवरेट है भाई, जूसी जूसी नान, जिंदा बाप उतना मजा ही आ गया। ओए होए सीन ये, मैं रान खा के फारिग होता हूँ, उसके बाद आपको सारे वो बॉक्स दिखाता हूँ जो ऑर्डर के हैं, फिर आपको बताता भी हूँ किस तरह जनरेट करने हैं और थोड़ा प्रोसीजर बताऊंगा आपको। सीन ये है कि आपको मैं चेक कराता हूँ, जो मैंने कहा था आपको, जो सारा माल है वो आया हुआ है। बेसिकली दो डब्बे हैं, लेकिन उसमें भर के शर्ट्स हैं पूरी, ज्यादा काफी ज्यादा भी ऑर्डर्स हैं जो यूएस वाले जाने हैं निकल के, ठीक है। और फिर ऑफकोर्स आई वुड हैव सम स्टॉक लेफ्ट, थोड़ा सा सामान अपने लिए भी एक्स्ट्रा मंगवाया था, और फिजा के लिए भी सामान, एज इन लाइक शर्ट्स। मैं भी एक्स्ट्रा स्मॉल पहनता हूँ, फिजा भी एक्स्ट्रा स्मॉल पहनती है, तो फिर मैं आपको वो भी पहन के भी चेक कराता हूँ। ये वाली जो है रेगुलर वाली शर्ट है, ये वाली है डीमन स्लेयर वाली, मैं आपको सारी दिखाता हूँ। काफी ज्यादा लड़कियां थी ना, वो कह रही थी कि वो लड़कियों के लिए भी बनाया, भाई लड़कियों के लिए भी है ये, भी आपको फिजा ज़्यादा स्टाइल करके दिखाएगी मेरे साथ, पहले उससे तो फारिग हो जाए। अच्छा खासा सुला के लाई थी, मैं बाहर ही उठा हुआ था वो देखो। वो सोता क्यों नहीं है तू मामा के बगैर? बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज द फर्स्ट शर्ट एज यू कैन सी। तो ये थी ज़ोरो की किंग ऑफ हेल वाली, और फिर अगर आपने किसी जीन्स के साथ इसको पेयर करना है, मैं स्लिम फिट के साथ अभी किया हुआ इसको ब्लैक के साथ, साथ ये शूज पहने हुए इस तरह करके, तो नीचे से इस तरह करके आपको इसकी फिटिंग आएगी, और अगर पीछे से देखो तो चल कैसे रहे हो? वाओ क्या लड़का है। बस क्या,
क्या बताऊं मैं। और ये फिजा के ऊपर भी फिजा ने इसको जीन्स के साथ मैचअप किया है, आगे से कुछ इस तरह की दिख रही है। अभी हमने इस्त्रियां नहीं हुई हुई ऑब्वियसली, अभी पैकेज में ही थी, बट ये हो गई हमारी शर्ट नंबर वन। शर्ट नंबर टू बदलते हैं। क्या धमाकेदार लग रही है मेरे ऊपर यार। मैं चेक करो भाई के बाजू बाजू उसमें फुल शो हो रहे हैं, ज़ोमैटो का लोगो यहाँ पे लगा हुआ, कितना क्लीन मिनिमलिस्टिक। फिजा लड़के नंबर दे देंगे इसको पहन के, आराम से दे देंगे। और ये पीछे से लुक देखो क्लीन है, अब व्हाइट वाली पहनते हैं इसकी सेम। और तुम्हें तो पहना दो। बॉयज एंड गर्ल्स जैसे कि जो ब्लैक वाली है फिजा पे देखो कितनी फिट लग रही है, इजी और कैजुअल। लड़कियों पे जो बेसिकली वो ये होता है, आप इनको थोड़ा सा ओवर साइज के तरीके से पहन सकते हो, टक इन करके बाहर भी निकाल के पहन सकते हो। अब मैं आपको व्हाइट वर्जन दिखाता हूँ, व्हाइट वर्जन हाय हाय सिंपल क्लासी व्हाइट वर्जन एज यू कैन सी। ये देखो जरा, एक मिनट इसको भी ले आता हूँ, ज्यादा शोर में चल रहा है। एक शर्ट इसके लिए, एक मैंने बेबी साइज भी बनवा लेना चाहिए। हाँ जी, अब क्या हो रहा है, तूने मेरी शर्ट पे दूध गिराया ना, बल्कि गिरा दे व्हाइट ऑन व्हाइट दूध, पता भी नहीं चलेगा मेरी ब्रांड न्यू शर्ट पे। On to the next one. हाँ भाई बॉयज एंड गर्ल्स, सबसे मजे की चीज है, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था जेन्युइन, ये जो ग्रीन वाली शर्ट है, ओए 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 ओए, चेक करो जरा, ये देखो जरा ग्रीन वाली शर्ट का स्वैग, हाय हाय हाय। और फिजा पे सबसे अच्छी एक्चुअली ग्रीन वाली लग रही है, मैंने उसको यही कहा, थिंक मे बी जीन्स के कलर के साथ जा रही है, क्या सीन है, लेकिन बहुत अच्छी लग रही है। हाँ यार, ग्रीन वाली तो मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा अच्छी है, मैंने कहा शायद इतनी मजे की नहीं लगेगी ग्रीन वाली ना, लेकिन अभी ये पीछे से टैग उतार, एक सेकंड ये देखो ना, पीछे से ज़ोमैटो का लोगो है। जो गर्लीज देख रही है देख लें, ये कलर अच्छा है, यू कैन रॉक इट। फाइनल शर्ट जो है तांजिरो वाली, जो डेमन स्लेयर वाली है, एज यू कैन सी ऐसे ही लग रहा है, बीच में आयरन मैन का जो लोगो है वो होता है, क्रेस्ट होता है, साथ ही उसका वो लिखा हुआ है जापानीज में ना, डांस ऑफ द फायर गॉड बेसिकली। आगे से चेक करें तो कुछ ऐसे देखिए, और पीछे से फिर ये सेक्सी सा ज़ोमैटो का लोगो होगा। और जो कह रहे हैं विंटर्स का टाइम आ गया है, उसके लिए अब शर्ट्स नहीं भाई, आप जैकेट्स के साथ भी पहन सकते हो, उसके ऊपर ओवरशर्ट भी पहन सकते हो। अभी मेरी जैकेट जो है कहीं छुपी भी पड़ी है, तो मुझे अपनी जैसे एक बटन अप शर्ट मिली है। ब्रो लुक एट दिस, अगर आपने इसके साथ बटन अप शर्ट पहनी तो आप वो भी कर सकते हो, यू कैन पेयर लिटरली एनीथिंग विद दिस। मैंने इनको बनाए डिजाइन था, मिनिमलिस्टिक किया था कि आप ऊपर कोई टॉप भी पहनेंगे ना इनके तो बहुत कूल लगेगी, एनीथिंग वुड लुक गुड विद दिस, कोई भी जींस आप पहन सकते हो। ठीक है, अभी इसको हम रैप अप करते हैं, बाकी अब मैंने क्या करना है, मैंने बैठ के सारे ऑर्डर्स जो अमेरिका वाले हैं उनकी पैकेजिंग वगैरह करनी है, रेडी करना है, तो मेरे पास ब्लॉगिंग का टाइम कम है। कल मैंने बिलाल भाई को ऑर्डर देने जाना है, उन पे ट्राई करके भी आपको दिखाएंगे, उनका भी रिव्यू लेंगे, उनका अपार्टमेंट उन्होंने पूरा नया सजाया है डैलस के डाउनटाउन में, वो भी कल आपको दिखाएंगे, तो स्टे ट्यून्ड, आपके लिए एक सेकंड में गुजर जाएगा। देखो द नेक्स्ट डे, दिस इज द नेक्स्ट डे, और फिजा इज हेल्पिंग मी आउट विद द थैंक यू कार्ड्स, ये जैसे आप देख सकते हो ऑर्डर्स के लिए, और आइजन भी हमें पूरी हेल्प कर रहा है, पहला ऑर्डर ये पैक कर रहा हूँ ठीक है, विद बार, आई लाइक दिस बार लॉट, और एक लॉलीपॉप के साथ, ये मैंने जो फ्लायर्स होते हैं बस हमने क्या कहते हैं शिपिंग लेबल होगा उसके ऊपर लगा के हम, और इसको फिर पूरा पैक कर लेंगे। नेक्स्ट बंदा है हमारे पास बिलाल, नहीं नहीं बिलाल दूसरा बिलाल है, बिलाल भाई नहीं है। तो बेसिकली प्रोसीजर क्या होगा, एक हमने पकड़ा रहा, इसके अंदर आप डालोगे शर्ट्स, हम कैंडीज भी डालते हैं भाई, क्योंकि अगर कोई शर्ट को एंजॉय कर रहा है तो साथ खाते खाते कर लेगा। और जो थैंक यू कार्ड है बेसिकली उसके लिए स्पेशल हम एनवेलप में डाल के इसको देंगे। बॉयज एंड गर्ल्स याद रखना, कस्टमर एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती हैं लाइफ में, याद रखना अप्रिशिएशन शो करने के लिए ना, अगर कोई मेरी चीज ले रहा है खरीद रहा है पहन रहा है, एंड ऊपर फिर हम ये स्लिप लगा देंगे इसके। ये सारे प्रोसीजर अभी काफी ज्यादा करने हैं, ये करके फिर आपसे मिलते हैं। बॉयज एंड गर्ल्स सीन ये है कि जो मेरी डिलीवरी थी मैंने कर दी यूपीएस के दफ्तर पे, बिल्कुल लास्ट मिनट की थी, बंद कर रहे थे, वो निकल गई हैं आज फाइनली, थैंक गॉड, एक ना दिल से बोझ उतरा। फिलहाल भाई की मेरी शर्ट देनी थी अगेन, वो अवेलेबल नहीं है, वो मेरी गलती है, मैं थोड़ा सा लेट हो गया था। तो अभी हम एक जगह पे आए हुए हैं यहाँ पे घूमने फिरने ना, यहाँ पे बड़ी अच्छी सी वाइब और बड़ा प्यारा माहौल है, मैं आपको भी बाहर जाके दिखाता हूँ। यहाँ पे एक जगह, यहाँ पे वाटर शो होता है, वो वाटर शो तो रात को होता है और हम रात तक रुकेंगे नहीं, लेकिन चेक करो ये ऐसी जगह, यहाँ पे ना सारे बच्चे डिफरेंट डिफरेंट गेम्स खेल रहे होते हैं, ये टेनिस खेल रहे हैं यहाँ पे लोग, बाहर खाना खाने में आज तो मौसम इतना प्लेजेंट हो रहा है, हल्की हल्की हवा चल रही है, क्लाउडी क्लाउडी, फिर यहाँ पे सामने वो छोटी छोटी गेम्स लगी हुई है, टेबल टेनिस भी लगी हुई है, हम टेबल टेनिस खेल सकते हैं। अगर तुम्हारा पाँव थोड़ा सा ठीक हो जाए तो, नहीं तो टेबल टेनिस एक जगह पे खड़े होके खेलना होता बंदे ने, ओए होए, लेकिन देखो कितनी खूबसूरत जगह है, बंदा यहाँ पे आके बैठ जाए, पिकनिक कोई करनी हो आपने, कोई घर में आपने आम किन्नू चूसने हो तो यहाँ पे ले आओ आके और यहाँ पे रख लो और आराम से चूसो उसको बैठ के, ठीक है। ये देखो लोग यहाँ पे इंडोर टेनिस खेल रहे हैं,
पिकल बॉल है, टेनिस नहीं है। बड़ी फन लग रही है सर। फिजा वही तुम्हारी टांग सही होती तो हम ये भी खेल लेते ना। फिजा को साइकिल चलानी आती है ना। फिजा को साइकिल अब वो भी सीख ली थी मैंने। ठीक है जी। कान देखो कैसे बनाए हुए, सही करे ना, नीचे पीछे कर। ओए होए होए, ये रातों को बिजनेस में लाइटें डिफरेंट डिफरेंट चल रही होती हैं। बहुत ही खूबसूरत है, बंदा आराम से आए वॉक करे, अपनी दिल की बातें करे। ऐसे ही है जो तुमने हमने सेकंड है। Here we go again। तुम्हारे साथ ही किया आज तक दिल की बातें, और मैंने किसी के साथ नहीं किया आज तक। तो मेरी पहली और आखिरी। वो देखो बॉयज एंड गर्ल्स, ओए होए होए फवारे। यहाँ पे ना डिफरेंट डिफरेंट गाने चलते हैं, और फिर ना ये उसके साथ साथ यूं 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 डांस करते हैं। पूरी ना छोटी सी लेक बनाई हुई है यहाँ पे, उसके इर्द गिर्द आराम से वॉक करो। ये साथ वाटर शो चला, बड़ा खूबसूरत है ये एरिया ना। यहाँ पे हम अक्सर आ जाते हैं छोटी मोटी वॉक करने। जब मेरी फिजा से लड़ाई हो जाती है मैं इधर आ जाता हूँ। तुमने जरूर अपने बीच में कमेंट्री बाजी मारनी होती है। क्या फर्क पड़ता है, किसी को क्या पता कि हम दूसरी दफा आ रहे हैं यहाँ पे। क्या कहती रहती है बॉयज एंड गर्ल्स। लेना मुझे बड़ी एक चाहत होती थी कि इसको ना मैं ऊपर बिठा के रखूं। अभी भी इसकी टांगे इतनी बड़ी नहीं, इधर बिठा ले तो मैं उड़ी उड़ी जावा हवा दे। हाँ भाई कोई काम तो नहीं है, मुझे बता दो। सुपरमैन जा रहा है। नहीं है, चलो ओके बाय। Boys and girls, before we go, एक बहुत important announcement, Zinmato की new merch is finally live। वो जो oversize shirts की मैंने बात की थी। खैर boys and girls, अगर आप Zinmato पे जाएंगे, you can see जो पुरानी वाली shirts हैं जो मैंने release की थी वो तो हैं वहाँ पे, लेकिन अब नीचे थोड़ा सा आपने जाना है। So you can see the oversize tee, new arrival section, उसमें जो चार मैंने निकाली थी अब वो live हो गई हैं। लेकिन एक मसला है इसके अंदर boys and girls, stock है मैंने बहुत limited निकाला है, और इसमें सिर्फ तीन sizes हैं, small, medium और large, और मेरे पास सिर्फ पांच stock में each है, that's it। मैंने सिर्फ 15 shirts each निकाली थी, तो US वालों के लिए अलग से स्टॉक है, पाकिस्तान वालों के लिए अलग से स्टॉक है। सो एक शर्ट का 15 US के लिए, एक शर्ट का 15 पाकिस्तान के लिए। और जो इन लोगों को टेंशन है ना कि विंटर टाइम है, ये वाली शर्ट्स और ये वाली दोनों का मटेरियल बहुत थिक है, तो आप सर्दियों में भी उनको पहन सकते हो। तो लिमिटेड स्टॉक है बहुत ज्यादा। अगर आपने जाना है, अगेन यू कैन गो एंड बाय इट zinmato.com। और इस दफा ऑर्डर्स में आपको बिल्कुल भी देर नहीं होगी बॉयज एंड गर्ल्स, प्रोडक्शन की ऑलरेडी हो चुकी है। जैसे ही आप ऑर्डर करेंगे इंशाल्लाह मैं सून रिलीज कर दूंगा पैकेज, और आपको जल्दी पहुंच जाएगा। इस कमिंग वीक में आपको अपने ऑर्डर्स पहुंच जाएंगे। तो डोंट फॉरगेट टू ऑर्डर देम, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह। मोस्ट लाइकली हम जाके बिलाल भाई से मिलेंगे, जो मेरे अपने भाई हैं, उनका पार्टनरशिप अपार्टमेंट जाके देखेंगे, विल सी। बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बॉय मूसा खाना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह।